ये फोन से बतवा रहा है तो हम बोले कि तुम कांटेक्ट करवा दो, कितना क्वांटिटी तुम्हारे पास माल है। बात की हाँ, तो बोले हैं कि जो हम परसों आएंगे तो बाहर सील कर, तभी तो सील कर दो। तब उसका सबसे बड़ा तो ये ट्रांसपोर्ट का जो एजेंट है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर माल तो सील होकर के चल जाना चाहिए थाना में अभी, बगैर गैर कानूनी ढंग से वो लड़का बोला ये इधर हो जी। इसके पास कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यही है। सामने जाओ मैडम, जब पहुंची तब उस समय यही थे अकेले, ये थे भी नहीं। मधुबनी जिले के विभिन्न SFC गोदामों में गोदाम प्रबंधक के द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद विधान परिषद अंबिका गुलाब यादव ने SFC गोदाम मधेपुर का औचक निरीक्षण किया। जांच में कई कमियां उजागर हुई। जिला पदाधिकारी को मोबाइल से अनियमितता की जानकारी दी गई है। तब मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी पहुंची। मधुबनी जिले के MLC अंबिका गुलाब यादव ने मधेपुर के SFC गोदाम का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड के बस्सी पट्टी के डीलर भागवत मुखिया को अनाज दिया जा रहा था। MLC साहिबा को देखते ही डालर ने गोदाम मैनेजर एवं उसके कर्मी को एक एक खामियों को उजागर करना शुरू कर दिया। यहां तक कहा कि 15 सालों के अंदर कभी भी डीलरों को अनाज वजन करके नहीं दिया गया और कोई भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता डर के मारे आवाज नहीं उठाता है। मधेपुर गोदाम मैनेजर की यह कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि गोदाम मैनेजर वही बनता है जिसका ऊंचा रुख सुख होता है। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि पूरे गोदाम पर एक ट्रांसपोर्ट एजेंट का कब्जा था जो डीलरों को उस समय अनाज दे रहा था। कुछ देर के बाद डाटा ऑपरेटर गोपाल कुमार पहुंचे। MLC ने साफ सफाई को लेकर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस अवसर पर MLC प्रतिनिधि विनोद कुमार, कामिल कमर, जयराम यादव, शंकर कुमार समेत एक दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे। बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, BNP न्यूज। इसे आप निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर मेरी कोई मतलब कहीं पर नहीं है। सिर्फ आपको ये कहना है कि जो यहाँ बगैर गोडाउन बगैर मैनेजर का चल रहा था, सबसे बड़ा तो ये है कि भाई इनके पास आप तो आई कार्ड रखिए भाई, आप जमाना आ गया है कंप्यूटराइज। कोई भी कोई पदाधिकारी आएंगे, मैडम भी आएंगी, DM सर भी आएंगे, कोई भी आएंगे तो आपसे तो आई कार्ड मांगेंगे। आप तो आई कार्ड भी नहीं है, आप तो वैसे आप फंसोगे भाई। फंसोगे क्या, सबको लेके जाओगे तुम ये दोनों आदमी मिल करके चलाओगे गोडाउन इतनी बड़ी, सबको लेके डूबोगे और क्या होगा। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार तो हमको नहीं लगता है कि स्वयं सामने में डीलर कह रहा है कि भाई मेरा माल तौल के नहीं है, तुम्हारे पास काटा भी नहीं है। है काटा, कहाँ है काटा? वही एवरेज वाला, एक बार तौला गया होगा एक गाड़ी में। एवरेज काटा क्या होता है? क्या आपको गोदाम से जो है वजन करके माल नहीं मिलता है? नहीं, आप कंप्लेन किए थे? मुझे पहले कई बार कहे थे, कंप्लेन हमने की। मौके कहे थे? मौके भी नहीं कहे थे, अचानक आई मैडम। आज अचानक जांच के दौरान आप पहुंच गए? उस समय में माल उखाड़ रहे थे, आपसे पूछा गया? पूछा गया। इतने दिनों से आप डीलर हैं, कभी आपको वजन करके नहीं मिला? एवरेज के मुताबिक मिल रहा है लेकिन वजन करके नहीं मिला। तो क्या इस तरह के यहाँ के सभी डीलरों के साथ वही हाल है, तो कोई इस तरह की शिकायत नहीं किया? क्योंकि हम लोग माल उठाए चले गए, कौन डीलर क्या किए नहीं किए इसकी जानकारी तो मेरी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जैसे हुआ है मैं वही जानता हूँ। नाम बोलिए अपना। मेरा नाम भागवत है। राष्ट्रपति